84 रॉयट्स के बाद जो हत्याएं सिखों की हुई है, हमने तो वो सीन देखा है जिसे आदमी देख नहीं सकता, देख ले तो सपने में भी महीनों डरेगा। लाशें ऐसे पड़ी हुई थी सब्जी मंडी जहां पोस्टमार्टम होता है, जैसे ईंटों के ढेर पड़े हों, जैसे बोरियां पड़ी हों, पेट फूल के इतने मोटे मोटे हो गए और लाश के ऊपर लाश पड़ी, सैकड़ों लाशें दिल्ली से आई हुई, आदमी डर जाए देख नहीं सकता, पहचान नहीं है, खून में सना पड़ा है सारा, सिर फूटे हुए हैं, बाल खून में तरम तर है। हमने तो वो सीन देखे। ऐसा नहीं है कि ये मिनटों सेकंड में हो गया, प्री प्लांट नहीं था, लेकिन बिल्कुल उसके बाद प्रोग्रामड था कतई। आम आदमी को लेना देना था लूट से और उन्हें एक मौका मिल गया, ना चाहते हुए भी लोग जो है उसमें शामिल हुए सिर्फ लूट के लिए। उन्होंने बेशक ना मारा हो किसी को, लेकिन लूटा तो, और ये सब उनके बीएसट पे हुआ। तो ये बड़ी बहुत ही विभत्स सीन था, आदमी देख नहीं सकता। हम तो कई कई दिन हमें जाना पड़ा पोस्टमार्टम कराने के लिए, आदमी सांस नहीं ले सकता था, फरलांग कई कई फरलांग तक, एक फरलांग तक उधर कचहरी तक बदबू आती थी, 30,000 कोट तक, इतनी बुरी स्मेल, लाशें सड़ गई थी, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे। सड़ने का मकसद ही है कि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे, आइडेंटिफिकेशन में बड़ा टाइम लगा उनके, बहुत बुरा समय था।